बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान जिसका नाम है रेमल पिछले 6 घंटों के दौरान 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया है और आज 11:30 बजे बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर 20.2 डिग्री नॉर्थ और 89.2 डिग्री ईस्ट के पास उसको सेंटर है वो खेपू पर बांग्लादेश का जो खेपू पड़ा है उससे लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। बांग्लादेश में जो मंगला है उससे 260 किलोमीटर दक्षिण में है और हमारा जो सागर आइलैंड है उससे 210 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और कैनिंग बंगाल में जो कैनिंग है उससे 230 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। वर्तमान में उसको जो विंड स्पीड है वर्तमान मतलब 11:30 बजे 95 to 105 किलोमीटर पर आवर है और गस्टिंग 115 किलोमीटर पर आवर और फोरकास्ट ऐसा है जो लगभग उत्तर का दिशा में ही मूव करेगा और मध्य रात में बिटवीन बांग्लादेश कोस्ट और जो वेस्ट बंगाल कोस्ट में को क्रॉस करेगा बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपूपाड़ा नियर आपका क्या नाम है आपका या खेपूपाड़ा के बीच बांग्लादेश का आसपास में पश्चिम बंगाल तटों को पार करके की बहुत संभावना है। इसका जो मैक्सिमम जो सस्टेन विंड होगा उस क्रॉस करने का टाइम वो है 110 to 120 किलोमीटर पर आवर गास्टिंग टू 135 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, बंगाल में किन एरियाज में ज्यादा अलर्ट है और क्या सिचुएशन है बंगाल में? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोस्टल एरिया में आपका अलर्ट है। कोस्टल एरिया में आपको बताता है जस्ट मिनट क्या जैसा स्क्वायरली विंड स्पीड आज इवनिंग से शुरू हो जाएगा। स्क्वायरली विंड स्पीड विथ स्पीड 45 to 55 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 65 किलोमीटर पर आवर ये शुरू हो जाएगा आज शाम से इवनिंग से कुछ जिलों में। वो जिला है आपका हावड़ा हुगली कोलकाता और ईस्ट मिदनापुर में और ये विंड स्पीड बढ़ेगा रात में बढ़ेगा बढ़ के वो आपका 70 to 80 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 90 किलोमीटर पर आवर होगा एक्सेप्ट ईस्ट मिदनापुर में आपका 60 to 70 गस्टिंग टू 80 किलोमीटर पर आवर होगा। और आपका जो कोस्टल एरिया में देखिए कोस्टल एरिया में विंड स्पीड बढ़ना आफ्टरनून से शुरू हो जाएगा लेकिन उसका इफेक्ट हमारा इंटरनल इंटीरियर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको इफेक्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट मैं बताया हावड़ा हुगली कोलकाता वेस्ट मिदनापुर ये सब एरिया में जो उसको विंड स्पीड बढ़ना इवनिंग से शुरू हो जाएगा। तो कोस्टल एरिया में आपका आज आफ्टरनून से शायद थोड़ा बाद ही शुरू हो जाएगा न कि शुरू हो गया लगता है वो विंड स्पीड बढ़ जाएगा एंड इट विल इंक्रीज टू 70 to 80 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 90 और वहां से वो इंक्रीज होके हो जाएगा 100 to 120 किलोमीटर पर आवर 135 मतलब आज आफ्टरनून से आज इवनिंग तक कोस्टल एरिया में विंड स्पीड का जो हमारा अंदाज है वह है 70 to 80 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 90 किलोमीटर पर आवर और आज इवनिंग से कल सुबह तक आपका विंड यह है 100 to 120 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 135 किलोमीटर आवर उसको बाद वो डिक्रीज करेगा।
उसके बाद मतलब 27 तारीख आफ्टरनून से आपका डिक्रीज होना शुरू होगा, उस टाइम आपका 60-70 गस्टिंग टू 80 किलोमीटर पर आवर होगा, और 27 तारीख रात में 50-60 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 70 किलोमीटर पर आवर। और ये और आपका स्टॉर्म सर्ज भी, आपका स्टॉर्म सर्ज का भी अंदाज है, एक बंगाल का कोस्ट में स्टॉर्म सर्ज का अंदाज है आपका 1 किलोमीटर अबव द एस्ट्रोनॉमिकल टाइट। और आज हमारा जो कोस्टल जो दोनों जो कोस्टल जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उत्तर 24 परगना दक्षिण 24 परगना, उसमें एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का काफी चांस है, एंड हेवी टू वेरी हेवी का चांस है आपका ईस्ट मिदनापुर हावड़ा हुगली कोलकाता, हाँ कोलकाता ये सब डिस्ट्रिक्ट में भी होने का चांस है। लेकिन ये रेनफॉल के बारे में, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में मैं हमारा जो नेक्स्ट बुलेटिन जब नेक्स्ट जब ब्रीफिंग देंगे उस टाइम आप लोगों को क्लियरली बताएंगे, बिकॉज अभी वो रिपोर्ट अगर तैयार हो रहा है।